डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लिपिंग के बारे में। बेसिकली क्लिपिंग होता क्या है? क्लिपिंग का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के किसी डिजायर्ड पोर्शन को जब हम जूम करके पूरे विंडो पर लाना चाहते हैं, उसे क्लिपिंग बोलते हैं। ठीक है, आइए डिटेल में से पढ़ते हैं। एनी प्रोसीजर दैट आइडेंटिफाइज दोज पोर्शंस ऑफ ए पिक्चर दैट आर आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफाइड रीजन ऑफ स्पेस इज रेफर टू एज क्लिपिंग एल्गोरिथम और सिंपली क्लिपिंग। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो किसी भी पिक्चर के उस पोर्शन को आइडेंटिफाई करता है जो कि या तो स्पेसिफाइड रीजन के अंदर है या बाहर है। ठीक है, इस तरीके की जो एल्गो होती हैं, इस तरीके के जो हम सॉल्यूशन वो क्या कहते हैं ग्राफिक्स में चेंजेस करते हैं, वो हमारे क्लिपिंग एल्गोरिथम या सिंपली क्लिपिंग कहलाते हैं। द रीजन अगेंस्ट विच एन ऑब्जेक्ट इज टू बी क्लिप्ड इज कॉल्ड ए क्लिप विंडो। ठीक है, एक रीजन जो किसी ऑब्जेक्ट का हमने क्लिप किया है, मतलब क्या कहते हैं डिस्प्ले होने के लिए या कह सकते हैं उसे विंडो पर लाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं क्लिप विंडो। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्लिप विंडो। क्लिपिंग इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द पिक्चर आइदर इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द डिस्प्लेइंग एरिया। क्लिपिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये पहचान करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पिक्चर जो है वो डिस्प्ले एरिया के इनसाइड है या आउटसाइड है। ठीक है, डिस्प्ले एरिया के इनसाइड है या आउटसाइड। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ क्लिपिंग इंक्लूड्स एक्सट्रैक्टिंग पार्ट ऑफ द डिफाइंड सीन्स फॉर व्यूइंग आइडेंटिफाइंग विजिबल सरफेस इन थ्री डायमेंशनल व्यू। क्लिपिंग की एप्लीकेशन क्या क्या इंक्लूड करती है कि जो भी सीन है उसकी को कैसे हम देखेंगे, कैसे उसकी विजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, थ्री डायमेंशनल व्यू कैसा होगा उसकी, ऑब्जेक्ट की बाउंड्री क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसा होगा सॉलिड मॉडलिंग प्रोसीजर को यूज़ करके, डिस्प्ले ए मल्टी विंडो एनवायरनमेंट कैसे किया जाएगा, और ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑपरेशंस कैसे होंगे, मूविंग कैसे की जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, कर्सिंग डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पे डिपेंड कर्सिंग कैसे की जाएगी। द क्लिपिंग विंडो कैन बी जनरल पॉलीगन और इट कैन बी हैव ए कर्व बाउंड्रीज। ठीक है, जो क्लिपिंग विंडो है वो जनरल पॉलीगन भी हो सकता है या फिर क्लिपिंग कर्व भी हो सकता है। ठीक है, फॉर द बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन वी वॉन्ट टू डिस्प्ले ओनली दोज पिक्चर्स पार्ट दैट आर विद इन द विंडोज एरिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन हम उसी पिक्चर पार्ट को डिस्प्ले करते हैं जो कि विंडो एरिया में है। ठीक है, एवरीथिंग आउटसाइड द विंडो इज डिस्कार्डेड और विंडो के आउटसाइड जो भी होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लिपिंग एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड इन बर्ड कोऑर्डिनेट्स। जो भी क्लिपिंग एल्गोरिथम है वो बर्ड कोऑर्डिनेट पे अप्लाई होती है, सो दैट ओनली द कंटेंट ऑफ द विंडोज इंटीरियर आर मैप्ड टू डिवाइस कोऑर्डिनेट। इसलिए जो कंटेंट है विंडो का वो हमेशा डिवाइस कोऑर्डिनेट में मैप किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्लिपिंग। अब हम डिटेल में समझते हैं क्लिपिंग होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस है, हम मान लीजिए ये हमारे पास विंडो है। ठीक है, ये विंडो है या डिस्प्ले एरिया जैसे कहेंगे हम वो है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है, तो जो लाइन विंडो के अंदर होगी ये तो डिस्प्ले होगी, ये वाली डिस्कार्ड हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो विंडो के अंदर होगा वो ऑब्जेक्ट तो डिस्प्ले होगा और ये वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, विंडो यानी डिस्प्लेइंग एरिया, एक क्लिप विंडो बोलते हैं। तो क्लिप विंडो के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा डिस्प्ले होता है क्लिपिंग के अंदर। ठीक है, क्लिपिंग के अंदर डिस्प्ले होता है। मान लीजिए इसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और इसे हमने 2D प्लेन पे इस तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये
एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, इसके अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है या ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, इस एरिया को जब हम क्लिप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए कुछ हमारे वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, इसके लिए कुछ हमारी विंडो की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, विंडो की वैल्यू क्या होंगी, ये बाई एक्सेस है और ये एक्सेस है, तो ये तो 0.0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के थ्रू जो पहली वैल्यू क्या होगी हमारी, बर्ड कोऑर्डिनेट में होते हैं तो एक्स डब्लू से हम डिनोट करेंगे। एक्स डब्लू यहाँ क्या है, एक्स की वैल्यू मिनिमम है, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ मिनिमम है, क्या होगी, मिनिमम होगी 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डब्लू मिनिमम, यानी कि एक्स विंडो कोऑर्डिनेट मिनिमम होंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये बर्ड कोऑर्डिनेट में है, सारी चीज़ें होती हैं विंडो पे, मैंने बताया था आपको। और ये एक्स की, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू मैक्सिमम, ओके, और यहाँ पर बाई की, ये बाई एक्सिस है तो बाई डब्ल्यू की वैल्यू मिनिमम, एंड ये क्या है, बाई डब्ल्यू की वैल्यू मैक्सिमम। इस तरीके से हम इसे मैप करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मैप करते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट में कहाँ गए, एक्स डब्लू मिनिमम, एक्स डब्लू मिनिमम इस कोऑर्डिनेट, एंड वाई डब्लू मिनिमम ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स डब्लू मैक्सिमम कॉमा वाई डब्लू मिनिमम। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करेंगे, ये पॉइंट फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक्स डब्लू मैक्सिमम है और ये वाई डब्लू मैक्सिमम है, तो ये हो जाएगा एक्स डब्लू मैक्सिमम कॉमा वाई डब्लू मैक्सिमम, ओके, क्लियर। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स डब्लू मिनिमम और वाई डब्लू मैक्सिमम, एक्स डब्लू मिनिमम और वाई डब्लू मैक्सिमम। इस तरीके से हम किसी विंडो को, ये क्या है, डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले एरिया या क्लिपिंग विंडो ठीक है इसे हम कहते हैं, तो इस एरिया में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे हमें, उस पोर्शन को ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले कराना होता है। ठीक है, उस पोर्शन को हमें ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले कराना होता है, ये कहलाती है हमारी क्लिपिंग। अब क्लिपिंग की जब अगर हमारी बात आई है तो हम क्या करते हैं, क्लिपिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्लिपिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लिपिंग, टाइप्स ऑफ क्लिपिंग की बात करते हैं, ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टाइप है क्लिपिंग का वो क्या है, पॉइंट क्लिपिंग, ओके, देन सेकेंड वन इज लाइन क्लिपिंग, देन थर्ड वन इज पॉलीगन क्लिपिंग एंड फोर्थ वन इज सर्किल क्लिपिंग एंड फिफ्थ इज व्यूपोर्ट क्लिपिंग, व्यूपोर्ट क्लिपिंग। तो ये हमारे फाइव टाइप्स हैं क्लिपिंग के, ओके। अब
मान लीजिए जैसे सर्कल क्लिपिंग है, सर्कल क्लिपिंग कैसा होगी, मान लीजिए हमारे पास कोई विंडो है, एरिया है, और सर्कल हमारा इस तरीके से बना हुआ, इतना एरिया सर्कल में हमारा आ रहा है, तो यह क्या चाह रहे हैं, हम इस एरिया को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो अगर विंडो के थ्रू आएगा तो बाकी को हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी इतने एरिया को हम डिस्प्ले कराएंगे। इस तरीके से हमारी क्लिपिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट क्लिपिंग की। पॉइंट क्लिप सबसे पहला है हमारा पॉइंट क्लिपिंग, देखते हैं आगे। पॉइंट क्लिपिंग में बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास एक विंडो है, इसका कोई जो एरिया है, जो विंडो के अंदर एरिया होगा वो विजिबल होगा, और बाकी बाहर का एरिया वहाँ डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्लिपिंग बोलते हैं, ये तो पता ही आपको। अब देखते हैं, एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसमें देखते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये देखना है कि ये जो है विंडो में है या नहीं है, यानी कि जो विंडो क्लिपिंग विंडो है उसमें पॉइंट हमारा है या नहीं है। इसे देखने के लिए हमारे पास ये हमने वैल्यू अभी जो बताई थी मैंने आपको, वो लिखी हुई है सबकी। ठीक है, और ये वर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा पूरा स्ट्रक्चर या एक एक्स एक्सेस बाई एक्सेस का फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है कि एक्स और वाई हमारे ये इस विंडो में लाई कर रहे नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर एक्स हमारा इस विंडो में होगा तब जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो किसके सेंटर में होगी, यानी एक्स डब्ल्यू मिनिमम और एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम के बीच में होगी। जैसे ये लिखा हुआ है, एक्स डब्ल्यू मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स, यानी कि मान लीजिए एक्स डब्ल्यू की वैल्यू है, एक्स मिनिमम की वैल्यू 2 है, एक्स मैक्सिमम 10, ये मान लिया है हमने। ठीक है, इस तरीके से तो एक्स डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2, एक्स डब्ल्यू मैक्स इज 10, तो हमारे जो एक्स क्या है उसकी वैल्यू जो भी कोऑर्डिनेट दिए होंगे वो देखेंगे हम कि यह इसकी वैल्यू इसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही। इसी तरीके से हम बाई के कोऑर्डिनेट भी देखेंगे कि बाई की वैल्यू बाई डब्ल्यू मिनिमम और बाई डब्ल्यू मैक्सिमम में आ रही नहीं है। अगर आ रही है तो वो विंडो के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट, अदरवाइज लाई नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे किसी पॉइंट क्लिपिंग के बारे में। पॉइंट क्लिपिंग बहुत सिंपल है, बस ये देखना होता है कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट दिए हैं पॉइंट के, वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं नहीं कर रहा है। अगर कर रहे हैं तो वो क्लिप हो सकता है, अदरवाइज वो क्लिप नहीं होगा। ठीक है, यानी विंडो के बाहर हो जाएगा तो क्लिप नहीं होगा, विंडो के अंदर होगा तब वो क्लिप हो जाएगा। उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारा कि एक्स डब्ल्यू मिनिमम लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, बाई डब्ल्यू मिनिमम लेस देन इक्वल टू बाई लेस देन इक्वल टू बाई मैक्सिमम, इस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में ये पॉइंट क्लिपिंग, कल हम लाइन क्लिपिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।